नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां पे हमारे पास में है मर्सिडीज़ की EQA, मर्सिडीज़ की सबसे सस्ती और सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको इसके फीचर्स वगैरह आगे पीछे अंदर बार दिखाऊंगा, बट दिखाते दिखाते हम ये बात करेंगे कि आपको EQA लेनी चाहिए, आपको GLA पे ही रहना चाहिए, या आपको जो बाकी कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रिक कार है IX1, वॉल्वो की जो पहले XC40 रिचार्ज हुआ करती थी, अभी EX40 जो भी नाम वो रखें, गाड़ी तो वही रहने वाली है, कौन सी आपको लेनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं। देखिए, वैसे तो मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज को नहीं पसंद कि उनके प्रोडक्ट को चीप या सस्ता कह के बुलाया जाए, लेकिन अगर आप कीमत के मायनों में देखोगे, जो कि सही मायना भी है, तो उस हिसाब से ये मर्सिडीज़ की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार्स होने वाली है और ग्लोबली भी है। और ये इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अच्छी बात है कि उनकी प्राइस कम हो, शायद यही वो रीज़न है कि मर्सिडीज़ EQA ग्लोबली मर्सिडीज़ की बेस्ट सेलिंग EV रही है। मैं जितनी बार भी यूरोप गया हूँ, उतनी बार ये मुझे दिखती है हाल फिलहाल के दिनों में, और वो एक टेस्टिमनी है कि लोगों को ये गाड़ी किसी न किसी रीज़न की वजह से लॉजिकल लग रही है। अब जब इंडिया आ रही है तो लेट्स डीप डाइव एंड सी कि गाड़ी इन एंड आउट कैसी लग रही है। चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वैसी आती है जैसे मर्सिडीज़ की बाकी गाड़ियों की आपने देखी होगी, लॉक अनलॉक, और यहाँ पे जो है कम्प्लीटली बूट खुलना बंद होना दोनों पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है। गाड़ी में थोड़ा सा प्लास्टिक का इस्तेमाल, चाबी में थोड़ा सा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, एंड इट लुक्स गुड ओवरऑल। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में बाकी चीज़ों की बात करते हैं। GLA से क्या कुछ सिमिलरिटी, क्या कुछ चीज़ें अलग दी गई है उनकी बात करते हैं। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू GLA, काफ़ी हद तक देखने वरने के मामले में लुक्स वेरी सिमिलर, एंड मेरे ख्याल से वो एक अच्छी चीज़ है। बट चेंजेस जो है उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो लॉक अनलॉक करने पर आवाज़ आती है, देखो ये आवाज़ जो है वो आती है। उसके बाद में ये DRL जो है इट इज़ ऑल कनेक्टेड थ्रू आउट। ये अगर आप देखोगे ग्रिल, तो यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, कवर्ड है, और दुनिया भर के मर्सिडीज़ के छोटे 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 लोगोज़ जो हैं वो आपके पास में यहाँ पे बनाए गए हैं। इफ़ यू कम ऑन दिस साइड, यहाँ पे व्हील्स जो हैं उनमें एरो व्हील्स है, तो वो आपको चीज़ जो है वो मतलब देख पा रहे हो, ये दिए गए हैं। पर्सनली मुझे अच्छा तो नहीं लगता है व्हील्स को ऐसे अलग डिज़ाइन करना, बट हमने इतने इलेक्ट्रिक कार्स में ऐसे शेड वेड देखे हैं, अलग अलग तरीके के व्हील देखे हैं कि वो बहुत ज़्यादा भद्दे हो जाते हैं, तो उनसे तो बेटर ही ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है। AMG लाइन जो है वो इसीलिए व्हील्स में AMG लिखा हुआ है। आपके पास में 235/50R19 ये टायर साइज है, एंड फ्रंट टायर रियर टायर सेम है, बिकॉज दिस इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव। यस, इलेक्ट्रिक कार से साथ में थोड़ा सा कम दिखने को मिला होगा आपके लग्जरी में, मोस्टली आपको रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव दिखती होगी, बट यहाँ पे ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। पीछे की तरफ जो लाइट्स है दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड, अगर आप देखोगे ये पूरी थ्रू आउट जो है कनेक्टेड लाइट यहाँ पे रन करती है। एंड एक चीज़ लिखी हुई है पीछे जो कि इंटरेस्टिंग है, EQA 250+। अब 250 प्लस का क्या मायने हैं यहाँ पे? देखो, प्लस के मायने सिंपल है, ये गाड़ी 70 पॉइंट समथिंग किलोवाट और बैटरी पैक के साथ में आती है, एंड जो EQB है जो कि टेक्निकली इससे महंगी थोड़ी ऊपर वाला वेरिएंट है, वो 66 पॉइंट किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आती है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? वेल एक्चुअली इसमें भी वो बैटरी पैक, वो पावर ट्रेन ऑप्शन आते हैं, उसमें ड्यूअल मोटर सेटअप आता है, ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव यानी कि सिंगल मोटर सेटअप है, और इसकी रेंज ज़्यादा है और इसकी बैटरी भी ज़्यादा है, तो उसमें इसमें भी वो सेटअप आता है। इंडिया में नहीं लाया गया है, इंडिया में बोला कि भैया ही लाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा रेंज दे दिए, क्योंकि रेंज जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वैसा मर्सिडीज़ ने यहाँ पे डिसाइड किया है। कार एक्चुअली लुक्स वेरी मच सिमिलर टू GLA, साइड में तो कुछ खास पता भी नहीं चलता है ये व्हील्स के अलावा। बाय द वे, एक और चीज़ जो कि मैं भूल जाऊँ उससे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे आपके पास में 100 किलोवाट तक की चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करने के लिए DC चार्जर जो है वो दिया गया है, और जो स्लो चार्जर है वो 11 किलोवाट का आप घर पे लगा सकते हैं AC चार्जर, उससे चार्ज यहाँ पे हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो है दी गई है। एक चीज़ और अंदर जाने से पहले बताना चाहता हूँ, वो ये कि क्योंकि सिंगल मोटर है और क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो एक चीज़ जो है जो कि हम हमेशा इलेक्ट्रिक के साथ में एसोसिएटेड देखते ही हैं, कि फ्रंट में फ्रंक दिया जाता है, यानी कि थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है सामान रखने का, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। सिंगल मोटर है, बड़ी मोटर थी तो फ्रंट में उसको लगा दिया गया, और स्पेस बचानी तो मर्सिडीज़ ने वो दिया नहीं, इसलिए वो चीज़ यहाँ पे मिस है, विच इज़ ए नेगेटिव फैक्टर। इसलिए नहीं क्योंकि वो नहीं दिया गया है, नेगेटिव फैक्टर इसलिए क्योंकि रियर में एक्चुअली आपके पास में फिर बूट थोड़ा सा कम बचता है। अभी तो मैंने फुल लोड करके आपको दिखाने के लिए एक बड़ा बैग, एक छोटा बैग, डिसेंट साइज़ और स्पीड यहाँ पे है, बट ये इतना ही बूट है। इसके नीचे जो है आपको टायर रिपेयर किट वगैरह दिए गए हैं, कोई भी स्पेयर टायर जो है वो नहीं दिया जाएगा। इफ़ आई कैन हैव दैट मच पावर, नहीं इतनी पावर भाई, सामान बहुत ज़्यादा लोड है, बट कुछ नहीं, एक पंचर रिपेयर किट जो है थोड़ा सा दिया गया है, तो GLA से कम बूट है, एक नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे हो जाता है, एंड उसके ऊपर से आपको फ्रंक जो है वो नहीं मिलता है, तो अपनी चार्जिंग केबल्स वगैरह जो है अदरवाइज आप वहाँ पे रख सकते हो, दो पोर्टेबल वाली। बट अंदर की तरफ हम एंटर होते हैं, अंदर की तरफ चीज़ों की बात करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये रिसाइकल्ड बॉटल से बनाया गया है,
तो कह सकते हो आपके बिस्लेरी की बोतलों से जो है इन्होंने सीट बना दी। अगर आपको लग रहा हो कि अरे वाह ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान रहे मोस्ट ऑफ द सस्ते कपड़े जो आप पहनते हो सस्ते इन द सेंस दिखने में बढ़िया होंगे, आप डिसेंट महंगी प्राइस देते होंगे बट वो बनने में सस्ते होते हैं, बनाई में कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती है, वो रिसाइकली पॉलिस्टर वॉलिस्टर से बनते हैं एंड देर आर मल्टीपल सच वेरियंट्स अवेलेबल ऑफ दैट प्लास्टिक थिंग, तो उससे जो है बनाई जा सकती चीज़ें एज लॉन्ग एज अपने शरीर पर ज़्यादा ना पहनो तो बेटर है। लेकिन ये कार की सीट्स वगैरह ऐसी चीज़ों में एप्लीकेशन में बढ़िया चीज़ है, उसमें इस्तेमाल उसका किया जाना चाहिए। गाड़ी अंदर से भयंकर गर्म हो गई है डिस्पाइट द फैक्ट कि आज इतनी तेज़ धूप नहीं है, इसका रीज़न सिंपल है, एक तो ये खुला था और नहीं भी खुला होता तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, विच इज समथिंग जो कि मर्सिडीज़ को लंबे टाइम से हम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसको कम्प्लीटली ब्लॉक होना चाहिए ये, बट फिर भी वो यही देते हैं। अब क्योंकि गर्म हो गई थी तो अब भयंकर एसी चलेगा और एसी चलता है तो होती है रेंज ड्रॉप, फॉर्चुनेटली इसकी रेंज अच्छी है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट थोड़ी देर एसी को चल लेने दो भाई। एक्चुअली अभी तो लो पे भी सेट है तो आई विल सेट इट ऑन 23 और समथिंग, सो थोड़ा सा चलना बंद हो और मैं स्पीड फैन की खुद से ही थोड़ी सी लो कर लेता हूँ। ओके ओके प्लीज़ प्लीज़ कम डाउन। हाँ अब जो है बात करते हैं ओवरऑल इंटीरियर्स की, इंटीरियर्स लुक्स ग्रेट, कुछ चेंजेस हैं इंटीरियर्स में, जैसे कि बहुमिस्टर का साउंड सिस्टम दिया गया जो कि अदरवाइज जीएलए वगैरह में नहीं आता है एंड आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट साउंड सिस्टम ऑफ एनी कॉम्पिटिशन कार्स, कंपेयर करोगे आप तो भी दिस इज़ दी बेस्ट साउंड सिस्टम, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में एक बहुत ही अच्छा टच देख पा रहे हो, ये वाला यहाँ पे भी टच दिया गया है, ये इल्यूमिनेट भी होते हैं अंदर से, बैकलिट है, ये सारे स्टार जलते हैं रात को एंड ऑब्वियसली बहुत ही सुंदर आपके पास में अवेलेबल है एम्बियंट लाइट्स भी, जिसका शॉट आप करंटली यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत सुंदर लगती है एम्बियंट लाइट्स एंड यू कैन डेफिनेटली एडजस्ट इट, मल्टीपल कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि टर्बाइन टाइप एयर वेंट्स मर्सिडीज़ का सिग्नेचर एक तरीके से, उसमें थोड़ा सा आपको अंदर कॉपर की फिनिश जो है वो दी गई है, व्हाट फिनिश इज दिस कॉपर और व्हाट डू यू कॉल दिस, रोज गोल्ड एक्सेंट्स जो है वो ये है बेसिकली, बट मेरे को वो ऐसा कॉपर की याद दिलाते हैं हमेशा से, दो इट्स लाइटर वर्जन बट आई थिंक एमबियंट लाइट आप ऐसे कमांड से भी चेंज करते हो, हे मर्सिडीज चेंज एम्बियंट लाइट कलर टू रेड, सुना ही नहीं मर्सिडीज ने यार, ये तो बेइज्जती सी हो गई। हे मर्सिडीज चेंज एम्बियंट लाइट कलर टू रेड, आई एम सॉरी कैन यू से दैट अगेन प्लीज, चेंज एम्बियंट लाइट कलर टू रेड, मेरी अंग्रेजी इतनी बुरी तो नहीं है, मान ली बात, वैसे मुझे रेड और प्रॉपर से वाइट टाइप कलर ही सही लगता है बट चेंज करी नहीं करी, लग नहीं रहा मुझे यार, बदल दी क्या, दिख नहीं रही है बदली हुई, इतनी देर ब्लू तो दिख रही थी। You have not subscribed to this service. To use it, you first have to activate the service in the Mercedes Me app. भाई कौन सी सर्विस, एम्बियंट लाइट कलर चेंज कर दिया, ये भी रेड दिख हो गई, शायद मेरे हिंदी को कोई और कमांड मान के बैठ गई दी थी, ऐसा नहीं है। एनीवे तो हम बात कर रहे थे कि इंटीरियर वगैरह कैसा लग रहा है, सॉफ्ट टच नीचे की तरफ हार्ड बट स्टिल ओवरऑल द फिनिश हर एक चीज़ की, चाहे यहाँ पे चलो ये तो सॉफ्ट टच है ही, यहाँ पे लो चाहे अंडर द डैश लो, हर जगह प्रीमियम फिनिश है, दिस इज़ दी मोस्ट लग्जरियस लुकिंग कार इन टर्म्स ऑफ टच फील एंड ओवरऑल लुक्स जो कि इंटीरियर के हैं, बहुत ही बढ़िया जो है लग्जरी फीलिंग आती है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और इस वजह से प्राइस भी महंगी रहने वाली, अभी हम बात करेंगे कुछ और रीजन्स भी महंगे रहने के। यहाँ पे आपके पास में लॉक एंड लॉक दिया गया है, यहाँ पे आपके पास में सारे कंट्रोल दिए गए, वन टच अप डाउन फॉर ऑल विंडोज़, और यहाँ पे आपके पास में ओवरव्यू में एडजस्ट करना हो तो दिस माइट लुक लिटिल प्लास्टिकी विच इट इज़ बट ओवरऑल इट लुक्स गुड, कोई भी ऐसा शिकायत करने वाली चीज़ जो है वो आपको नहीं है। ब्रश एल्युमिनियम फिनिश यहाँ दी गई है, बड़ा स्पेस आपको यहाँ दिया गया है, ये बूट आपको अगर आपको खोलना बंद करना हो तो वो है यहाँ पे, टिपिकल मर्सिडीज़ यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल दे दिए गए हैं, लाइट्स वगैरह के एम्बिएंट लाइट आपकी हेडलाइट वगैरह के सारे कंट्रोल है, आपको सिर्फ ऑटो दबाना और कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे। उसके अलावा इधर आप आओगे तो ये आपके पास में ड्राइव सेलेक्टर है, PRND आपको सेलेक्ट करना है, इधर भी एयरवेंट दिया गया है, ये आपके पास में बीच में एक स्क्रीन है विच इज़ जेन्युइनली ए गुड स्क्रीन ऑनेस्टली, काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स वगैरह आते हैं एंड इट्स द सेम थिंग जो कि मर्सिडीज़ में हमने देखा है, यू कैन चेंज इट कि आप यहाँ पे स्पोर्ट क्लासिक नेविगेशन असिस्टेंस सर्विस क्या देखना चाहते हो, ऊपर की तरफ मैं स्वाइप करूँगा तो आप HUD में क्या देखना चाहते हो, जी हाँ HUD जो है वो भी आती है, तो HUD में जैसे आपको इकोनॉमी डिस्प्ले देखनी है या सेटिंग्स जो है वो आपको देखनी है, सब डिस्प्ले आपको बंद करनी है या मिनिमल आपको डिस्प्ले को रखना है, यू कैन सी इट ऑल, ये इकोनॉमी डिस्प्ले ऑब्वियसली इसी में आती है EQA में ही, जो कि आपको बताता है आप कैसे चला रहे हो, मेरे को 4 स्टार दे रहा भाई जबकि मैं इतना बड़े इलेक्ट्रिक ड्राइवर हूँ नहीं, बट दे रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर आपका हो गया और साथ ही में वाइपर कंट्रोल्स वगैरह जो है वो भी आपको मिलते हैं, सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक वाइपर देखना है, वाइपर देखना है कैसा काम करता है, ऐसा काम करता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई शो यू वाइपर में एक्चुअली एक मस्त चीज़ है, मैं इसको थोड़ी देर चलने देता हूँ, हाँ अब देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखोगे
तो जिस तरीके का वाइपर यहाँ पे बाउंड किया गया, देर आर टू मोटर्स जो कि उसको ऐसे मतलब दो टू स्टट्स, एक मोटर होगी बट दो स्टट्स है, तो जब घुमाते हैं तो वाइपर जिस एंगल से ऊपर आता है इट रिमाइंड्स मी ऑफ ओल्ड ई क्लास जिसमें एक ही वाइपर सब कुछ करता था, बट इट स्वाइप्स वेल और जो उसके नॉजल्स हैं वो भी इस तरीके से प्लेस है कि बढ़िया से वो वाइप कर देता है, तो कोई भी इशू नहीं है। एनीवे उसके अलावा क्या था, हाँ मेरे को शिकायत थी स्टीयरिंग व्हील से। सही बताता हूँ क्या शिकायत थी सबसे पहले, मतलब इट्स नॉट लाइक कि स्टीयरिंग व्हील बुरा है या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ है, जो डिज़ाइन है इट लुक्स गुड, बट फंक्शनैलिटी के मामले में व्हेन यू आर ऑन द गो, जब आप चल रही है गाड़ी, तो भाई ये वाली जगह जो है ना इट इज़ लिटिल हार्ड टू ऑपरेट दिस वन। और मैं ये मर्सिडीज़ को कुछ और गाड़ियों में भी कह चुका हूँ, उनके पास एक और स्टीयरिंग है विच इज़ लुकिंग गुड, मतलब ऐसा उसमें ये गैप वैप टाइप नहीं है, विच लुक्स गुड, थोड़ा कुछ लोअर वेरियंट में देते हैं कई गाड़ियों में, वो ज़्यादा बेटर लगता है यार। इट ऑल्सो मतलब होल्ड करने में तो ये भी ठीक है, बट वो यहाँ पे ये जो है ना ये यूज़ करने में ये बेटर है, मतलब दिस इज़ नॉट रियली दैट ग्रेट। बट हाँ क्या क्या मिलता है आपको, इधर से आपको एम आई डी का सारा कंट्रोल जो है वो हो जाता है, एम आई डी के कंट्रोल्स में आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन भी आ रहा है, कहाँ गया ये यहाँ चेंज करता हूँ, यहीं से कलर चेंज कर सकते हो सारे, नाइस। एमआईडी में कंट्रोल में कलर चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास में लिमिटर क्रूज कंट्रोल सब अवेलेबल है। लिमिटर इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, कई मैन्युफैक्चरर्स देते नहीं है बट इट शुड बी गिवन, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। लिमिटर आपको इलेक्ट्रिक कार में भी काफ़ी हेल्प करेगा, इधर आपके पास में जो है रेंज बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा, इधर आपके पास नेविगेशन और या मतलब बेसिकली ये इंफोटेनमेंट यूनिट है वो अगर आपको कंट्रोल करनी हो तो ये इसके लिए दिया गया है, तो ऐसे नीचे आया और या फोन या कुछ और चेंज करना है तो यू कैन यूज़ दिस। यहाँ पे आपके पास में बाकी कंट्रोल जिसमें वॉल्यूम या कॉल उठाना काटना वगैरह वगैरह अवेलेबल है, इधर आपको दिए गए हैं रीजन मोड चेंज करने के लिए पेडल्स जिससे आप रीजन मोड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिकॉर्पोरेशन बेसिकली जिसको कहा जाता है वो लो स्ट्रॉन्ग आप जो है कर सकते हो। उसके अलावा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलता है आपको, देख पा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इधर आता है स्क्रीन पे, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप स्क्रीन में चेंज कर सकते हो, आई होप फोकस हंटिंग ना हो, टिपिकल सोनी इश्यू यहाँ पे। ओके तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कंफर्ट, इन्फो, मीडिया, मर्सिडीज ईक्यू, नेविगेशन। अब ईक्यू तो जो है इलेक्ट्रिक कार से स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रिक कार वाली चीज़ें आपको दिखानी है कि क्या चार्जिंग स्पीड मैक्सिमम रखनी है और रखनी क्या है तो बताता है कि चार्जिंग स्पीड मैक्सिमम क्या आएगी, इट डिफर्स आपकी बैटरी कितनी चार्ज है उस हिसाब से चार्जिंग स्पीड यहाँ पे वेरी कर सकती है। यहाँ पे आपके पास में कितना चलेगी वगैरह वो इन्फॉर्मेशन है, फ्लैप ओपन करना है तो कर सकते हो बट बंद करने मेरे को बाहर जाना पड़ेगा इसलिए मैं याद नहीं करूँगा। रेंज वगैरह मैक्सिमाइज कैसे करनी है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और ज्ञान जो है वो ये गाड़ी दे सकती है वगैरह वगैरह, आपको कैसा कंजप्शन आपका चल रहा है वो भी चीज़ें आपके पास यहाँ अवेलेबल है। ये ईक्यू वाली चीज़ होगी, उसके अलावा नेविगेशन इनबिल्ट नेविगेशन है, ठीक ठाक काम करता है एक्चुअली, और एक गजब चीज़ दिखाता है नेविगेशन, ये ऑगमेंटेड रियलिटी वाली डिस्प्ले मर्सिडीज़ उसको कहता है, जो कि बेसिकली आप जब नेविगेशन लगाते हो तो यहाँ पे फोटो आती है, वीडियो आती है रियल टाइम, जो कि यहाँ ये कैमरा से फीड की गई है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है जो आपको जो है वो आगे की फोटो वगैरह बताता रहता है कि इस तरफ इस गली में मुड़ना है। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप देख रहे हो अभी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे ये गाड़ी बंद हो जाती है यार, ज़्यादा चालू नहीं रहती है, और चालू कर लिए मैंने, मतलब चलती रहनी चाहिए अदरवाइज खड़े खड़े मर जाती है। यहाँ पे फ़ोन, रेडियो, मीडिया, ऐप्स, ऐप्स में एक बार मैं घुस जाता हूँ, एंड्रॉइड डेटा अपलगाबली वायरलेस आपको मिलता है विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको ऐप्स में आते हैं मर्सिडीज़ मी वगैरह, कनेक्टेड कार फीचर्स वगैरह आते हैं और काफ़ी अच्छे फीचर जो है वो ओवरऑल आते हैं उसमें भी, किसी तरीके का कोई भी ऐसा है नहीं जो मुझे बताना हो। कम्फर्ट के मामले में जब आप आते हो तो आपको ऐसा सीट काइनेटिक्स के अलावा कुछ भी मसाज वसाज या इनफैक्ट सीट वेंटिलेशन में नहीं मिलता है। And let me tell you, Mercedes, if you really want to crack this thing, all the luxury manufacturers, BMW, Mercedes, Audi and all those sort of things, if you really want to crack this market little bit more, introduce seat ventilation in all the variants. मस्ट है आज यार, 10 लाख की गाड़ी में आ रहा है सीट वेंटिलेशन, आप कहाँ पे 50 70 80 लाख रुपए गाड़ियाँ बेच रहे हो बिना सीट वेंटिलेशन के, कुछ कुछ में आपने सीट हीटिंग दे दी है, इट मेक्स नो सेंस। अगर आप गाड़ी बेचनी है तो उस मॉडल को थोड़ा सा एप्लीकेबल कर सकते हो, इट्स नॉट दैट हार्ड टास्क। तो सीट वेंटिलेशन जरूरी है इस देश में, स्पेशली आप जब ये ट्रांसपेरेंट वाले टाइप की शेड्स बेचते रहे हो तो गाड़ी आपकी गर्म ही ज़्यादा होती है, तो सीट वेंटिलेशन प्लीज़ इंट्रोड्यूस करो। तो वो चीज़ है, इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एक तरीके से यानी उसमें आती है सीट वेंटिलेशन वगैरह। एनीवे सेटिंग्स बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिलती हैं यहाँ पे, असिस्टेंट रिलेटेड सारे डास वगैरह फीचर्स आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम करते हैं। उसके अलावा पीछे मैं आता हूँ यहाँ पे, और पीछे मेरे को आना पड़ेगा, कैमरा, पार्किंग ऐसा कुछ है नहीं। हाँ कैमराज वगैरह जो है वो भी बढ़िया काम करते हैं आपके पास में, 360 डिग्री कैमरा चल जाना भाई, ऐसा मतलब पैसे दिए हमने इतना अच्छा कैमरा चल क्यों नहीं रहा ये तो बहुत अच्छा कैमरा, एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द कैमरा। उसके अलावा पीछे हम आते हैं, और कुछ चीज़ नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखानी हो आपको, ऐसा कुछ हाईलाइट करवानी हो, एनर्जी फ्लो वगैरह
इट्स अ टिपिकल थिंग जो कि आती रहती है, उसमें कुछ है नहीं। नीचे की तरफ कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स मोस्टली अभी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, जिसमें हैजार्ड का बीच में है, बाकी एसी से रिलेटेड सारे के सारे कंट्रोल है। यहाँ पे आपके पास में ड्यूल जोन है, तो आप अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग मिलती है, दो आपके पास में स्पेस मिलते हैं कप वगैरह रखने के, बॉटल वगैरह रखने के। यहाँ पे आपको चूज़ करना है मोड, तो तीन मोड आते हैं, इको, स्पोर्ट, कम्फर्ट। इंडिविजुअल मोड में आप अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हो, क्या सेट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें गाड़ी में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं करने को, आप जैसा मतलब ऐसा इंजन हो या गियर बॉक्स हो या आपका सस्पेंशन, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको ड्राइव ओवरऑल कैसी चाहिए, आपको स्टीयरिंग कैसा चाहिए, आपको ESP कैसा चाहिए। ड्राइव जो है उसमें थोड़ा कंफर्ट, स्पोर्ट, इको वाली चीज़ें आपके पास में अवेलेबल आती है, उसके अलावा और भी कुछ ऐसा है नहीं ऐसा बड़ी चीज़ दिखाने को। दो द चेंजेस चेंज द बिहेवियर, अभी चलाते हुए बात करेंगे। वॉल्यूम का नॉब यहाँ पे, पार्किंग कैमरा का शॉर्टकट, ये GLM में भी खाली था, यहाँ पे भी खाली है। ये आपके पास में थोड़ा सा स्पेस दिया गया, एक टाइम पे यहाँ पे मर्सिडीज़ वो टच वाली चीज़ें दिया करता था, बढ़िया है वो हटा दी, वरना वो केबल वगैरह से चल जाता था। यहाँ आपके पास में डीप स्पेस है, दो USB टाइप सी जो है वो दी गई है। ये ग्लोव बॉक्स है, डिसेंटली बड़ा ग्लोव बॉक्स है, विच इज़ नाइस। सीट में थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ दिया गया है, एंड मेमोरी फंक्शन जो है वो भी आपको दिया गया है। सीट में अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे जाने का वक्त आ चुका है। मैं शायद कुछ ऐसा बैठना पसंद करूँगा, आई थिंक दिस इज़ कम्फर्टेबल। और उसके बाद में अब चलते हैं पीछे। तो बेसिकली 5 फुट 8 इंच के हिसाब से मैंने सेट कर ली है सीट। अब पीछे जब हम चलते हैं तो कुछ सामान जो है रखा हुआ है, इसमें तो कुछ खाने का सामान, दिस इज माय बैग। पीछे की तरफ स्पेस कैसा है, देखो स्पेस तो बहुत अच्छा है, इट्स इज़ वेरी स्पेशियस, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इधर आपके पास में वेंट्स है अच्छे, इधर आपके पास में एक स्पेस है छोटा सा, मोबाइल रखने का काम नहीं आएगा। इधर आपके पास में दो टाइप सी आपको दिए गए हैं, कोई भी इंडिविजुअल एयर कंट्रोल से ऐसे कुछ चीज़ नहीं है, जो कि GLA में भी नहीं थी। यहाँ पे आपके पास में ऊपर भी अच्छा स्पेस है, इनफैक्ट दो सनरूफ आती। अरे ये सनरूफ तो खोल के दिखाई नहीं, मैंने आप नाराज जाते हैं यहाँ पे, बाय द वे खोल के दिखाई नहीं, बट ये देख लो यहाँ पे मल्टीपल लाइट्स वगैरह आती है, ब्राइट लाइट्स वगैरह, कोई भी इशू जो है उसमें नहीं है। एक्चुअली ये नहीं ऐसे चलेगी, काफ़ी ब्राइट लाइट वगैरह आती है। इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर जो है वो भी आपको मिलता है। सनरूफ दो मिलती है आपको, आगे वाली खुलती है, पीछे वाली खुलती नहीं है, और अच्छी बात है नहीं खुलती तो। बट आपको पीछे वाला भी जो है कंप्लीट ओपेक नहीं है, मतलब ये वाला जो है हल्का सा ट्रांसपेरेंट, इसमें भी ये सिस्टम। हेडरूम है, कोई इशू नहीं है, शोल्डर रूम डिसेंट है, तीन लोग नहीं बैठेंगे, दो लोग और एक बच्चा कंफर्टेबल बैठ जाएगा। प्रॉब्लम विच इज़ अ वेरी बिग वन इज दिस, वो है ये थाई सपोर्ट है ही नहीं गाड़ी में भाई, है ही नहीं। मतलब पता नहीं मर्सिडीज़ क्या सोच रहा था ये देते हो, कि थोड़ा सा तो थाई सपोर्ट वगैरह जो उनको देना चाहिए था, इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट ग्रेट। तो थाई सपोर्ट के मामले, मतलब अगर मैं अपने पाँव पूरे भी आगे ले जाऊँ ना, तो भी मेरे नीचे जो है टच नहीं होती, सीट ऐसा खाली रहती है, विच इज़ लिटिल बैड थिंग। तो शायद लॉन्ग जर्नी में पीछे बैठना लोग जो है उतना प्रेफर नहीं करेंगे। इधर मैं आता हूँ, ये आपके पास में दो बॉटल होल्डर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे कप बॉटल जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो। एंड ये कर दो बंद, तो आपके पास में तीन हेडरेस्ट, तीनों बंदों को 3-pointer सीट बेल्ट, आइसोफिक्स एंकर पॉइंट जो कि एकदम सही तरीके से माउंटेड है, सब चीज़ें मिलती हैं। साउंड सिस्टम यहाँ तक आता है भाई, बॉमेस्टर का साउंड सिस्टम क्या ही ज़बरदस्त काम करता है, ट्रस्ट मी। एनीवे, अब ये चीज़ें हुई, अब हम सबको दिखा तो दिया आपको, चला के बताता हूँ मैं कैसी लग रही है। ओके जी, फॉर अ चेंज सिटी में चलाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मोस्टली लोग सिटी में ही चलाएंगे इसको जो यूज़ करेंगे वो, बट हमारे पास सिचुएशन कुछ और थी। सो बात ये है, यहाँ पे सबसे पहले पावर फिगर्स वगैरह, 190 PS की पावर और 385 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलता है फ्रंट मोटर से, और कुछ भी कंबाइन ओम्बाइंड वाला नाटक नहीं है, क्योंकि एक ही मोटर आती है, तो जो है वो यही है, फ्रंट व्हील से निकलता है। तो एक चीज़ जो कि थोड़ी अटपटी लग सकती है, जो कि आपने बहुत टाइम से कोई बड़ी व्हील में देखी, क्योंकि व्हेन यू एक्सेलरेट हार्ड इट शोज़ अप ऑन दिस स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग में पता चलता है कि हाँ ऐसा टॉर्क वेक्टरिंग जिसको एक टाइम पे बोलते थे वो फील होता है। अभी जनरल चीज़ों की बात करते हैं, हाउस दी विजिबिलिटी, एर्गोनॉमिक्स वगैरह अगर आप खरीदोगे तो कैसा लगेगा। सी विजिबिलिटी इज़ ऑल फाइन, एक्सेप्ट वो वाला एरिया जो है, ये वाला पिलर भी इतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना वो करता है। कुछ कुछ पॉइंट पे वहाँ पे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इट्स वेरी ब्रॉड उस जगह पे, तो वो एक ठीक चीज़ नहीं है। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा आता है, पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब मोस्टली मिलते हैं, छोटे फुटप्रिंट्स है, तो सब कुछ खास विजिबिलिटी वाइज इशू नहीं। इनफैक्ट रियर में भी अगर आप देखोगे तो IRVM जो है वो मोर लेस सही ही लगता है। और साथ ही में जो प्रेडिक्शन है आपका कि गाड़ी की साइज़ क्या है और टर्निंग रेडियस वगैरह, वो सब एकदम परफेक्ट सा बैठता है। इसके बाद छोटी गाड़ियों का फ़ायदा है ये, कुछ ज़्यादा ऐसा विजिबिलिटी हिंटर करने लायक चीज़ें होती नहीं है। अगर ब्रांड वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर तो है, मतलब गड़बड़ फिर तो ब्रांड ही सही काम नहीं कर रहा, बट मर्सिडीज़ जैसी कंपनी जो है वो नहीं करती ऐसा कुछ ज़्यादा।
उसके बाद में बात आती है कि कैसा है एर्गोनॉमिक्स वगैरह. एर्गोनॉमिक्स ऑल गुड, कुछ भी ऐसी चीज़ ऑड नहीं है. थोड़ा सा ये वाला एरिया क्रैम्ड है नीचे फुट वाला एरिया, बट उसके अलावा एर्गोनॉमिकली ऑल सॉर्टेड. एक बार आप सही पोजीशन पर अपने आप को सेट कर लो जिसके एडजस्टमेंट अच्छे खासे अवेलेबल हैं तो आपको कभी नहीं होगी ये इशू. और एंड ऑल्सो ये और एंड ऑल्सो मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपको यहाँ पे मेमोरी सीट फंक्शंस जो हैं वो भी मिलते हैं, तो यू कैन जस्ट सिंपली सेट मेमोरी सीट फंक्शन और आपका काम हो गया. हाँ, एक और चीज़ वो ये कि जब बात आती है आमतौर पे ईवीज़ वगैरह को हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए होती है ऐसा कि एर्गोनॉमिकली और बेटर हो सकती थी. फॉर एग्जांपल रीजन वगैरह, मोड कहाँ कैसे कब डालते हैं. तो ये मैक्सिमम रिकॉर्पोरेशन मोड पे भी है. यू कैन पुट इट स्ट्रॉन्ग, यू कैन पुट इट नॉर्मल, यू कैन ऑल्सो पुट इट ऑफ, यू कैन ऑटो भी कर सकते हो, इंटेलिजेंट भी कर सकते हो. नॉट ऑफ बट इंटेलिजेंट. बेसिकली इंटेलिजेंट में क्या होता है, गाड़ी को समझ में आता है कि आगे कोई गाड़ी है तो स्लो हो जाती है, अदरवाइज नहीं होगी. जैसे मैं इसके पास में ले गया, अभी ये रीजन करने लग रही है, अगर ये गाड़ी हट जाए सामने से तो ग्लाइड मोड पे आ जाएगी. तो वो सब चीज़ें हैं. तो बट वो आपके सारे एडजस्टमेंट आपके पास ही में, सीधा आप दबाओगे मोड चेंज करने का ऑप्शन है, सब कुछ यहाँ पे है. सो ऑल द थिंग्स जो कि ईवीज़ में आपको करनी होती है वो भी आपके आसपास ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार गियर चेंज करने के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा करने का. मोड्स वगैरह दिए गए हैं आपके पास में यहाँ पे, ये इको स्पोर्ट कंफर्ट, अभी कंफर्ट मोड में हम डालते हैं. सिंपल सी सेटिंग्स हमें जैसे मैंने आपको दिखाई कि ESP स्टीयरिंग, और एक तो स्टीयरिंग की जो सेटिंग है उसका डिफरेंस जैसे ये इकोनॉमी मोड पे है, ठीक है, ये स्पोर्ट मोड पे है, ऐसा कुछ खास फर्क दिखता नहीं है. हल्का सा वेटेज सा एक्स्ट्रा आता है बट इन जनरल स्टीयरिंग वगैरह उससे फीडबैक वगैरह ओके ओकेश ही कहा जाएगा. ऐसा बहुत बढ़िया तो डेफिनेटली नहीं कहा. ये बाय द वे इंटेलिजेंट रिकॉर्पोरेशन से हटा के आप तो नॉर्मल रिकॉर्पोरेशन पे डाल दो, एडास काम कर रहा है, पी 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 नॉर्मल रिकॉर्पोरेशन डाल लो क्योंकि वहीं मेरे ख्याल से मोस्टली एकदम सही टाइप का. हाँ, एक चीज़ है, ऐसा झटके वाला रिजोल्यूशन नहीं है इसका, बहुत ही ऐसे लीनियर तरीके से आता है और ऐसा आपको फील नहीं होने देता है. स्ट्रांग है बट झटके वाला नहीं है, वो इसकी अच्छी बात है. तो स्टीयरिंग में तो कुछ डिफरेंस टाइप फील नहीं होता, इट्स नॉट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग और वैसा. तो कहने को तो वैसे GLA है, ऐसा ज़्यादा उम्मीदें रखनी भी नहीं चाहिए बट ठीक है. मतलब आपको कुछ ऐसे एरियाज, ऐसे स्पॉट्स नहीं दिखेंगे स्टीयरिंग में किसी भी फीडबैक में कहीं पर भी जो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर सकें. मोर और लेस आपको फील आएगी लग्जरी कार वाली. उसके बाद बात है हैंडलिंग के साथ साथ में राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है. हाइट स्पीड पे ठीक हैंडल होती है, वजन वगैरह सब नीचे वगैरह है. राइड क्वालिटी जो है वो ऐसे शहर में चला लो आप, नॉर्मल गड्ढों में भी ले जाओ, कोई इशू नहीं है. जैसे ही शार्प स्पॉट आता है, GLA के साथ में मैंने वीडियो में बताया था कि शार्प स्पॉट में थोड़ा सा एक आवाज़ सी आती है, इसमें उस आवाज़ के साथ साथ में आपको बैटरी का नीचे प्लेसमेंट, उसका वजन जो है वो भी फील होता है अराउंड द कॉर्नर्स, तो वो थोड़ा सा ऑड फीलिंग है. ऑल्सो GLA मैंने फॉर्मेटिक चलाई थी शायद, तो थोड़ा सा हैंडलिंग में बेटर लग रही थी बट वो ओवरऑल वजन की वजह से हैंडलिंग भी जो है यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं लगती है. राइड क्वालिटी ठीक ठाक है, तो मोस्टली गड्ढे दिखे स्लो जाओ आप, अच्छे से निकल जाओगे, कोई इशू नहीं है. ये यहाँ पे ये देखोगे अगर आप तो ट्रैफिक लाइट व्यू दिखा रहा है, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि सामने ट्रैफिक लाइट है, वो जो रेड जल रही है वो इसने रिकॉग्नाइज कर दिया. जब ग्रीन होगी तो वो बता देगा कि ग्रीन हो गई. इस टेक को कई कंपनीज़ ने ऑब्वियसली अपनाया है, अब तो बताया तो नहीं वैसे ग्रीन ये अच्छा ये बताती नहीं है, ये जस्ट दिखाती है. तो मान लो आप ऐसी जगह पर जहाँ ऊपर कहीं दिख नहीं रहा तो कैमरा वाइड एंगल तो दिखा देगा, वो काम है इसका. बट अब अपने देश में ट्रैफिक लाइट जान के क्या ही करोगे जहाँ पे ऐसे भीड़ लगी रहती है. तो देखो मैं ग्रीन सबसे आगे खड़ा था, मैं ग्रीन लाइट रेड हो गई लेकिन मैं पूरा क्रॉस नहीं कर पाया. एनीवे तो बात ये है कि बढ़िया इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, वरना ये फ्रंट व्हील लाइट होते हैं आगे की तरफ, ज़्यादा वो नहीं है. मतलब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वो टॉक जितना वजन नहीं होता है आगे के, दबा के रखे स्किड मारने लग जाती है गाड़ी. क्या बोल रहा था मैं आपसे, हाँ अब बात आती है कि ओवरऑल चल कैसे दी गाड़ी इन ड्राइव, हाउ इज इट इन द ड्राइव. देखो लीनियर है, एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं. 190 PS की पावर, 385 का टॉक वगैरह जो है वो प्यार से निकलता है जब तक आप ऐसा हार्ड दबाते नहीं हो. तो अभी करंटली मैं ये आ गया मैं इकोनॉमी मोड में, ठीक है. यहाँ पे एक ही फ़र्क पड़ता है कि आपको पेडल कितना लंबा दबाना है उस पर डिपेंड करने लग जाती चीज़ें. तो आप थोड़ा ज़्यादा दबाओगे तो फिर जो है वो तेज होने लग जाता है. इट्स नॉट लिमिटिंग यू, मतलब ऐसा हार्ड पेडल दबाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पॉइंट पर लिमिट नजर आएगी कह रहे नहीं, क्योंकि इकोनॉमी मोड में इसलिए थोड़ी सी पावर कम फील हो रही है. ऐसा बढ़िया अच्छी खासी पावर फील होती है, लेकिन हाँ स्पोर्ट मोड में वो आपको कम पेडल पे भी वो पावर जो है उतनी जल्दी डिलीवर होने लग जाती है. वैसा सा फ़र्क जो है मोटा मोटी है.
अच्छी पावर है, लीनियर है, सफिशिएंट पावर है किसी भी रस्तों के लिए। मान लो आप हाईवे वाईवे हिल गाड़ी में चार लोग हैं, पांच लोग हैं, दो लोग हैं, कैसे भी मान लो सफिशिएंट पावर वगैरह सब कुछ है। ओके, ब्रेकिंग की बात करते हैं तो रिजनरेशन और मिल के काम करते हैं। कुछ कुछ पॉइंट पे झटके से फील होते हैं ब्रेकिंग में। देखो एक पॉइंट आता है जब ऐसे डक डक ऐसा सा फील होता है, आपको बताता हूँ फिर से। ये मैक्सिमम रिजनरेशन पे ही देख रहे हैं हम, युवा इस बार नहीं है, हर बार नहीं आएगा। एक पॉइंट जहाँ पे रिजनरेशन और ब्रेक सिंक हो रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, वहाँ पे ऐसा एक फीलिंग आती है गाड़ी आगे ऐसा ब्रेक करते करते ऐसे फील होती है, ज़्यादा आगे नहीं जाती है, मतलब इट्स जस्ट वेरी माइन्यूट। तो ऐसा डेंजरस वेंजरस कुछ नहीं है, बट हाँ फील होता है तो ऑड लगता है वो। अदरवाइज ब्रेकिंग वगैरह ओके है, कुछ खास ऐसा ब्रेकिंग वगैरह में है नहीं। उसके बाद में बात आती है गाड़ी की रेंज वगैरह की। रेंज देखो, सीडीज ने एक काम बहुत बढ़िया किया, गाड़ियाँ बाहर से दिखने में थोड़ी सी अच्छी ना लगे भले, लेकिन उन्होंने वो एफिशिएंसी एरोडायनामिक्स वगैरह के पूरे ध्यान रखते हैं। वो EQB को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सारी गाड़ियाँ ऐसे बहुत ही फ्लूइडिक टाइप लगती है, और उसका बेनिफिट जो है वो रेंज वगैरह में फिर इनको मिलने लगता है। This will be the best range वाली गाड़ी अगर आप इस बजट में देखोगे तो। 70.5 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी है, एंड क्लेम रेंज छोड़ो आप 550 जो भी 62 समथिंग रेंज हो गई होगी, मुझे पता है ये गाड़ी अच्छे से ईजीली 450 प्लस करेगी ही करेगी आपके लिए। अगर समर्स में है तो थोड़ा उसके आसपास ही रहेगा, विंटर्स में थोड़ी ज़्यादा भी चल सकती है, बशर्ते आप थोड़ा प्यार से चलाओ, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा इलेक्ट्रिक पुश जो है यूज़ ना करो, एंड इट्स नॉट रियली दैट एंगेजिंग टू ड्राइव। क्या करोगे आप, ये जैसे कॉर्नर आया आमतौर पर वो रियर व्हील ड्राइव और व्हील ड्राइव में आप कुछ मजे लेते हो, या जोर से दबाते हो आपका स्टीयरिंग ऐसा ऐसा करने लग जाता है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में ऐसा ज़्यादा मजे कर भी नहीं सकते, ऑल व्हील ड्राइव के साथ फिर भी शायद कर लेते आप। तो वो चीज़ें हैं, इट्स नॉट दैट एंगेजिंग टू ड्राइव, मोस्टली आप आराम से ही चलाओगे, और अगर आप आराम से चला दो तो 450 प्लस रेंज जो है वो आपको आराम से मिल जाएगी, कोई इशू उसमें भी नहीं है। ये चीज़ें हैं भैया ओवरऑल, बाकी तो मोर और लेस सब ठीक है गाड़ी में। इट्स अ वनीला कार टाइप फीलिंग आने लगी मुझे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार सारी ऐसी ही क्यों हो रही है, आपको कुछ अलग नहीं मिलता है, कुछ ऐसा नहीं आता। ठीक है अब आपको टैग ठूंस दिया गया है तो ग्रेट एम्बिएंट लाइट साउंड सुन लो बैठ के, वो सब चीज़ें कर सकते हो, बट अदरवाइज ऐसा फीलिंग कुछ अलग स्पेशल जो है वो गाड़ियों में नहीं आती है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो बाकी तो क्या है, सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्राइस। आज हमें प्राइस पता नहीं है, बट अगर मर्सिडीज इसको 65 लाख या उससे नीचे की ओर रख दे तो दिस कैन बी ए ग्रेट कार ऑनेस्टली। अच्छी रेंज है, आप जो है इंटरसिटी ट्रैवल कर सकते हो, बाहर चार्ज भी अगर आपको करना हो तो बहुत ज़्यादा चार्ज फुल चार्ज करने की जरूरत नहीं है, फॉर अ ट्रिप ऑफ लेट से 600-700 राउंड ट्रिप अगर आप देखो उस हिसाब से, और अगर आप रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब करते हो दिन में अगर 50-60-70 किलोमीटर अप एंड डाउन या 200-300 किलोमीटर अप एंड डाउन अगर आपको मारना हो, इट्स नॉट अ बैड कार एट ऑल, एंड इनफैक्ट आई विल रिकमेंड इट ओवर GLA। हाउएवर देर आर गुड कॉम्पिटिशन कार, येस अगर आप देखोगे वॉल्वो XC40 रिचार्ज जो है या BMW iX1 है, दे हैव सम गुड फीचर्स, सम गुड थिंग्स अबाउट दैम। रेंज जो है इसी की बेटर निकलने वाली है, सीट स्पेस कम्फर्ट थोड़ा सा किसी और गाड़ी का बेटर हो सकता है, जैसे कि ओवरऑल कम्फर्ट में iX1 थोड़ी बेटर है। इनफैक्ट वॉल्वो XC40 रिचार्ज जो है वो भी एक्चुअली ठीक है, उसका जो ओवरऑल नेविगेशन वगैरह सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर काम करता है। तो देर आर थिंग्स जो कि उनके फेवर में भी जाती है, हालांकि ये कंपैरिजन करके अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो कंपैरिजन जो है वो मैं कभी करके आपको बता दूंगा कि कैसी एग्जैक्टली एक कार लग रही है। GLA के बारे में तो मेरा ये कहना है कि यू शुड स्टिक टू इट, अगर आपकी रनिंग GLA की बोल रहा हूँ, मैं EQA की नहीं बोल रहा हूँ, GLA यू शुड स्टिक टू इट, स्पेशली द डीजल, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो लेट्स से 3-4 हज़ार किलोमीटर या 2500-3000 किलोमीटर, अगर आपकी 2500-3000 किलोमीटर या उसके आसपास में रनिंग है और आप रोज़ घूम के घर आते हो, यू कैन बाय EQA। अगर आपकी उससे कम रनिंग है, इफ़ यू आर अ पर्सन हु कैन मेयरली ड्राइव 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर, जस्ट स्टिक टू GLA पेट्रोल, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।